नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप किस प्रकार से अपने बच्चों को बहुत ही आसानी से पोटी ट्रेनिंग दे सकते हैं और कब से, मतलब कि किस एज से जो है आपको अपने बच्चों को पोटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि बच्चों को पोटी ट्रेनिंग देने का कोई सही उम्र नहीं होता। मतलब ये है कि जब आपका बच्चा बैठना सीख जाता है, जो कि नॉर्मली बच्चे 6 महीने के बाद जो है सीख जाते हैं, जैसे ही आपका बच्चा 7-8 महीने का होता है, उस समय आपको अपने बच्चों को पोटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चों को पोटी ट्रेनिंग देने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है बच्चों के लिए पोटी ट्रेनिंग सीट। उससे बच्चे बहुत ही जल्दी जो है पोटी करना सीख जाते हैं। देखिए, बच्चे पोटी तो करते हैं, कभी बच्चे पैंट में कर देते हैं, कभी डायपर में कर देते हैं, कभी बिस्तर पर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, यदि आपका बच्चा डायपर में पोटी करता है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। पहली बात यह कि आपके बच्चे का पेट अच्छे से साफ नहीं होता। यदि आपके बच्चे का पेट अच्छे से साफ नहीं होगा तो उसको और भी बहुत सारी परेशानी होगी, पेट में गैस बनेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, पेट में दर्द हो सकता है, आपका बच्चा ठीक से खाना नहीं खाएगा और काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीन भी हो जाता है, आपको साफ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि यदि बच्चे ने डायपर में पोटी कर लिया या फिर बिस्तर पर कर दिया या फिर किसी कपड़े में कर दिया, तो नॉर्मल सी बात है कपड़े को साफ करो, फिर बच्चे को अच्छी तरीके से साफ करो, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये बात को मैं अच्छे से समझती हूँ। तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे के लिए पोटी ट्रेनिंग सीट लेके आइए। और जो सबसे अच्छा ब्रांड है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो जो सबसे अच्छा ब्रांड है वो है येलो ब्लैब का, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह कि आपका बच्चा इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। क्यों करता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक्चुअली में मैंने न्यू पैक मंगाया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है इसके बारे में बताऊँ, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। तो आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू पैकिंग है और मैंने ये सूर्या के लिए ही मंगवाया है। तो चलिए पहले इसे ओपन करते हैं। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि एक यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है जिसपे कि बच्चों के प्रोडक्ट को जांचा जाता है, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड पे खड़ा उतरा है ये वाला प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, चलिए वो देख लेते हैं। एक ये मिलता है आपको, एक ये मिलता है जिसमें कि बच्चे पोटी करते हैं और ये धोना भी बहुत ही आसान होता है, तो ये मिल जाता है। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें और हैं, वो भी देखते हैं क्या क्या है। आप इसे आराम से इस तरीके से सेट कर सकते हैं और इसको इस पे रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट की कुछ खासियत के बारे में बताऊंगी, आपको इसे क्यों लेना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी, देन मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पे अपने बच्चों को पोटी ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं। इसका लुक देखिए, लुक वाइज ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही अच्छा है, आपका बच्चा इसे देखते ही पसंद कर लेगा। क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। आप जब इसे देखेंगे खुद ही तो आप समझ जाएंगे कि कितनी अच्छी प्लास्टिक इसमें यूज की गई है। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि काफ़ी कंफर्टेबल है, आपका बच्चा इधर मुंह करके बैठे या फिर आपका बच्चा इधर मुंह करके बैठे, दोनों ही तरफ बच्चे को कंफर्टेबल लगेगा। क्यों? यदि आपका बच्चा इधर मुंह करके बैठता है तो इधर आराम से हाथों से पकड़ सकता है और आराम से पोटी कर सकता है, और यदि आपका बच्चा इधर मुंह करके बैठता है तो उसको पीठ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा और आपका बच्चा आराम से पोटी कर सकता है। बच्चों की पोटी करने के लिए ये बनाया गया है, तो आप इसको इस तरह से रखेंगे, देन इसको रखेंगे और इसको हटा के आप इस पे बच्चे को पोटी करा सकते हैं। आपका बच्चा आराम से इस पे पोटी कर लेगा। जब आपका बच्चा पोटी कर लेता है तो आप इसे बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं पकड़ने के लिए कितना अच्छा बनाया गया है, तो आप आराम से जाके इसे क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही आराम से क्लीन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, जब तक आपका बच्चा 2 साल का होता है तब तक आप इसमें आराम से पोटी करा सकते हैं, और देन जब आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का हो जाता है, 2 साल का, 3 साल का हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका यूज़ करना है। इसका यूज़ कैसे करना है, अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है तो आप इसको जो है अपने टॉयलेट में अटैच कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये लगा हुआ है इसमें, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो बस आपको इसको इस पे रख देना है, देन एक बार चेक कर लीजिए, बस हो गया और कुछ नहीं। तो आप इसे बहुत ही आसानी से जो है अपने वेस्टर्न टॉयलेट पे रख सकते हैं, तो आपका बच्चा जो है टॉयलेट में जाके भी जो है पोटी करने लग जाएगा। और दोस्तों, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, तो ये बहुत साल तक चलेगा। दोस्तों, मैंने पहले भी इसे यूज किया हुआ है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हम गांव गए हुए थे, तो गांव में पसंद आ गया तो उन्होंने रख लिया, तो इसलिए मुझे और मंगवाना पड़ा ये, तो इसलिए मैंने एक और मंगवाया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि मैम कौन सा पोटी ट्रेनिंग सीट बच्चों के लिए लेना चाहिए। तो आप लूब लैब के साथ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा पोटी ट्रेनिंग सीट है बच्चों के लिए,
कंफर्टेबल है, प्राइस वाइज बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चे बहुत कंफर्ट फील करते हैं इसमें। बाकी दोस्तों देखिए यहाँ से आप इसे पकड़ भी सकते हो, आप इसे पूरा पकड़ना चाहे तो इसे पूरा पकड़ सकते हैं। एंड मान लीजिए यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इसको बाहर लेके जा सकते हो, काफ़ी ईजी है कैरी करना इसे। दोस्तों आपका बच्चा इसमें पोटी करना सीख जाता है, तो अगर आप बाहर जाते हैं तो वो चाहेगा कि वो उसी पर ही पोटी करे, क्योंकि एक तो अगर आप वेस्टर्न वाले में कराते हैं तो आपका बच्चा कर नहीं पाएगा, क्योंकि उस साइज में काफ़ी बड़े होते हैं तो आपका बच्चा उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये मान लीजिए कि वेस्टर्न वाला टॉयलेट नहीं है तो आप अपने बच्चे को पोटी कराएंगे कैसे, नीचे बैठा के कराएंगे तो आपका बच्चा तब भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो जाएगा और उसको आदत नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि वो डायपर में करेगा। तो इसमें पोटी कराने का फ़ायदा क्या होता है कि आपका बच्चा एक तो अच्छे से पोटी कर लेता है, मतलब कि उसका पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है, उसके पेट में यदि गैस बन रहा है तो गैस बाहर निकल जाता है, और यदि आपके बच्चे का पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो उसे कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चा ठीक से खाता नहीं है क्योंकि पेट में यदि पोटी पड़ी हुई है तो उल्टी सा मन करता है, तो खाने की इच्छा नहीं होती है। तो इससे भी फ़ायदा होगा कि आपके बच्चे का पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि बच्चे जिसमें पोटी करते हैं उसमें ही पोटी करना चाहते हैं। यदि मान लीजिए आपका बच्चा छोटा है तो आप ये पूरा सेट लेके जाइए, यदि आपका बच्चा बड़ा हो गया है 2 साल से ऊपर का है तो आप केवल इसको लेके जाइए। यदि आपको लगता है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट है, तो यदि वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो पूरा इसका सेट लेके जाइए। इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है, जब आपका बच्चा पोटी नहीं करता है तो उसको ये चेयर का तरह यूज़ कर सकता है, बस इसको रख दीजिए एंड ये आपका चेयर बन गया। आपको लगता है हमें इसे नहीं लगाना है तो इसे हटा के आप केवल इसको भी रख के जो है आराम से बच्चों का चेयर बना सकते हैं, एंड आपका बच्चा काफ़ी खुश होगा, उसको एक चेयर भी मिल जाएगा। दोस्तों आपको इसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने ब्लू एंड पिंक मंगवाया है तो आपको इसमें येलो एंड ग्रीन मिल जाएगा, इसके अलावा येलो एंड ऑरेंज मिल जाएगा, और भी बहुत सारे कलर हैं तो आप देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आराम से अमेजोन पे, फर्स्ट क्राई पे। तो इसके अलावा आपको इनके वेबसाइट पे भी जो है ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए इन्होंने तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप आराम से जो है ये बच्चों की पोटी ट्रेनिंग सीट को खरीदिए एंड आपका बच्चा डेफिनेटली इस पर पोटी करना सीख जाएगा और वो बहुत हैप्पी भी होगा क्योंकि ये रियली में बहुत ही क्यूट है दिखने में और आपका बच्चा पसंद भी करेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर आप कोई अच्छा पोटी ट्रेनिंग सीट ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से लूब लैब का सबसे बेस्ट है, जो कि आपको ज़रूर मंगवाना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ जाके आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बाकी दोस्तों ट्रेनिंग देना कैसे है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस टाइम पोटी करता है, तो उस टाइम जो है आप अपने बच्चों को इसे बैठाइए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका बच्चा ना बैठे या फिर कुछ दिन के लिए वो बैठ जाए फिर बैठना बंद कर दे, तो आपको करना ये है कि जब आपका बच्चा इसे बैठता है तो आपको अपने बच्चों को इंटरटेन करना है। वो आपको खुद पता है कि आपका बच्चा इंटरटेन कैसे होगा, आपसे होगा, अपने टॉय से होगा या फिर वो टीवी देख के होगा, तो इसे आप कहीं भी उठा कर रख सकते हो। तो यदि आपके बच्चों को टीवी देखना पसंद है तो टीवी के पास रख के बच्चों को सब बैठाइए, एटलीस्ट वो पोटी करना सीख जाएगा। और जब आपके बच्चों को इसकी आदत बन जाएगी पोटी करने की, तो आप इसे टीवी नहीं भी दिखाएंगे, उसका मनोरंजन नहीं भी करेंगे, तब भी वो इस पर करेगा क्योंकि उसे इस पर ही कम्फर्टेबल लगेगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग में बच्चों का थोड़ा मनोरंजन करना होगा एंड इस पर बैठाना होगा। तो यदि आपका बच्चा स्टार्टिंग में सिर्फ बैठ के पोटी करना नहीं चाहता है तो आपको जो है ज़बरदस्ती नहीं करना, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। दोस्तों यदि आपका बच्चा ऐसे पोटी करता है तो वो खुद ही करने लगेगा इस पर, क्योंकि उसका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, उसे खुद ही लगेगा कि मैं ऐसे पोटी करता हूँ तो मैं अच्छे से कर लेता हूँ और मेरा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, ये बात बच्चे भी समझते हैं। तो देखिए यदि आपके बच्चे को कोई टाइम टेबल नहीं है करने का, फिर भी यदि आपका बच्चा जब सो के जगता है सुबह उसे दूध पिलाइए, देन उसके थोड़ी देर के बाद जो इसे बैठाइए, थोड़ा उसका मनोरंजन कीजिए, तो वो समझ जाएगा कि हमें सुबह सुबह पोटी करनी होती है एंड इस पर पोटी करनी होती है, और वो धीरे धीरे करके कुछ दिनों में जो है पोटी करना सीख जाएगा। यदि आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो वो और जल्दी समझ जाएगा, उसे छोटा है तब भी वो समझ जाएगा। बाकी आपको थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा नज़र रखना है कि आपका बच्चा किस टाइम पोटी करता है, पोटी करते समय कैसा मुंह बनाता है और क्या हरकतें करता है, वो आपको समझना होगा। और आपको जैसे ही लगता है कि आपका बच्चा पोटी करने के मूड में है, आप जस्ट इस पर बैठा दीजिए एंड वो कुछ दिनों में ही जो है पोटी करना सीख जाएगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बाकी छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा टाइम तो लेते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके बच्चे इसी में पोटी करेंगे, कभी कभी वो डायपर में भी कर सकते हैं, कभी कभी वो आपके बिस्तर पर भी कर सकते हैं, कभी कभी पूरे घर में भी फैला सकते हैं, वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन दोस्तों ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे बहुत ही जल्दी पोटी करना सीख जाते हैं, तो इसे मंगवाइएगा। एंड आई थिंक आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।